गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो मैं टेंपल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम में पहुंच गया हूं और यहां का नज़ारा देखिए गाइस, क्या कमाल का दिख रहा है ये टेंपल। और ये छोटा सा गार्डन है और ये है मेन टेंपल आपका। ये देखिए, ये शिखरा है टेंपल का, काफ़ी कूल लग रहा है। और ये पुराना टेंपल है, ये देखिए। तो गाइस देख सकते हैं, ये श्रीला प्रभुपादा का समाधि है, यहाँ पर उसका मंदिर है, ये श्रीला प्रभुपादा समाधि का मंदिर। तो ये देख सकते हैं, न्यूली बहुत ही अच्छा सुंदर बना हुआ टेंपल है। तो इसको शाम में विज़िट करेंगे, फ़िलहाल तो बंद है अभी, तो देखते हैं शाम को विज़िट करते हैं इसको। ये देख सकते हैं, ये टेंपल कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी अच्छा है, अच्छा सुंदरता से बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के, बहुत ही बड़ा जगह है। गौशाला भी गए थे तो वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं गया था। और प्रसाद भी खाएँ, 40 रुपये का प्रसाद था, वो वहाँ भी शूटिंग नहीं कर पाए क्योंकि मोबाइल जमा था। और मेन टेंपल में तो अलाव ही नहीं है मोबाइल, तो मोबाइल और शूज़ को जमा करना पड़ता है। और यहाँ फ्री शूज़ स्टैंड मिल जाता है, सिर्फ मोबाइल के लिए 5 रुपये कॉस्ट लगता है। और गौशाला जाने के लिए 10 रुपये लगा था, हम लोग बैलगाड़ी से गए थे, सोचे वो ले लेते हैं। और वहाँ पर गाय को खिलाए भी लड्डू, जो 100 रुपये में 6 लड्डू देते हैं खिलाने के लिए गाय को, तो वो भी हम लोग किए और फिर आ गए। तो ये देख सकते हैं, कमाल का टेंपल लग रहा है, बहुत ही मस्त। ये बन के तैयार होगा तो वापस आएंगे इसको देखने के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है, 130 किलोमीटर है कोलकाता से, नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो लोकल पकड़ के आए थे, कृष्णनगर सिटी लोकल। 25 रुपये लगा भाड़ा आगर पारा से, लगभग उतना ही रहेगा सियालदह से भी, 25 ही लगेगा आपको। तो काफ़ी अच्छा था, आप भी कभी भी आ सकते हैं घूमने के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरी जगह।